शहर से बाहर या बाहर से शहर में आने के लिए स्वस्थ होना ज़रूरी है। इसी के चलते शहर से बाहर जाने के लिए अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए मंगलवार को शहर के बाबुलखेड़ा परिसर के आरोग्य केंद्र पर लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी सरेआम उल्लंघन होते दिखाई दिया। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन किया गया है, जिस कारण अब सभी काम बंद हुए हैं। उसी के चलते दूसरे शहर या जिले या राज्य से आए लोगों पर भूखे रहने की नौबत आ रही है। इसीलिए अब ये लोग अपने गांव लौटना चाहते हैं, जिसकी सुविधा भी प्रशासन द्वारा की गई। लेकिन उससे पहले इन लोगों को अपना हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाए बिना शहर से बाहर या बाहर से शहर में आने की अनुमति नहीं है। और यही हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए शहर के रामेश्वरी रोड स्थित बाबुलखेड़ा आरोग्य केंद्र पर लंबी लाइन लोगों की लगी थी, जहां पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो दिख रहा है। साथ ही लोगों में कोरोना महामारी का किसी भी तरह का भय नहीं दिखाई दिया। भीड़ कर ये लोग कड़ी धूप में कई घंटों से हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने खड़े थे। मैं नागपुर से महाराष्ट्र से में फंसे हुए, हम लोग झारखंड के निवासी है। हम लोग करीब 15 से 20 दिन तक हम लोग फंसे हुए हैं। किसी का खाने पीने का तकलीफ है, किसी का रहने का तकलीफ है, किसी का पैसे भी नहीं है। जो पैसे था वो भी पैसे ख़त्म हो गया, और किसी का उतना भी नहीं आता, पढ़ना लिखना भी नहीं आता। जो बोलते कोई पुलिस स्टेशन जा रहा है, कोई DCP ऑफिस जा रहा है, कोई बोल रहा है कलेक्टर ऑफिस चले जाओ। आज यहाँ सब लोग करीब मजदूर, यहाँ कम से कम नहीं तो 200 से 300 लोग मजदूर, 400 से लगभग यहाँ जुटे हुए। कोई UP जाने का तैयार है, कोई झारखंड के जाने का तैयार है, कोई फैमिली से, बहुत सारे तकलीफ है यहाँ लोगों को। मैं यहाँ के महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग का कोई ना कोई व्यवस्था करवाए और हम लोग जाने का प्रबंध लगाए। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं और बहुत कष्ट है, धूप, और सबसे पहले कि कोरोना के वजह से सबको हाहाकार मचा हुआ। किसी का फैमिली का दिक्कत है, किसी का गांव में दिक्कत है। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग झारखंड जाने वाले, कोई झारखंड जा रहे हैं, यहाँ के जितने लोग हैं झारखंड, UP, बिहार, सब लोग जाने वाले हैं। हम लोग करीब कम से कम 3 घंटे से लाइन में खड़े हैं, 3 से 4 घंटे, लेकिन रोज़ हम लोग कम से कम 5-6 दिन से हर जगह चक्कर लगाना पड़ रहा है। कहीं पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है, DCP ऑफिस जाना पड़ रहा है, कहीं कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ रहा है, नहीं कहीं कोई समाधान नहीं निकल रहा है। झारखंड से बोलने वाला हूँ, मेरा कहना है ये लिस्ट आप देखिए, देखते होंगे, कम से कम 200 आदमी का लिस्ट बनाया हूँ, 200 आदमी का लिस्ट बनाया हूँ, तो पुलिस स्टेशन कम से कम 10 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, तो बोलता है यहाँ से कोई सुनवा नहीं है, कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। कलेक्टर के पास जब गया तो बोला 6 तारीख के बाद आना वहाँ DC ऑफिस, वहाँ भी घूमा, वहाँ 2 चक्कर मारा, वहाँ से घूम के आया तो फिर बोलता है कोई मेडिकल चेक करके आओ। तो यहाँ सुना कि सुबह से लाइन लगी हुई है, UP, बिहार, झारखंड सब लोग हम लोग लगे हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग सब अभी धूप में खड़े हैं। तो ये हम कहना कि मतलब ये सोशल डिस्टेंस कैसे करेंगे, अनुशासन बनाइए, हम लोग करेंगे, व्यवस्था बना के रखिए, हम लोग करेंगे सोशल डिस्टेंस जो भी है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इतना चक्कर मार रहा हूँ, हम लोग भूख मर रहा हूँ, जो पैसे उसे था ख़त्म हो गया खा पी करके, जहाँ तक अपने तरफ है, लेकिन सरकार यहाँ कोई मदद नहीं कर रही, आम पब्लिक यहाँ मदद कर रहे हैं, उन लोग हेल्प कर रहे हैं, उनके द्वारा हम लोग खाए पिए, उन लोग तरफ से मिला मदद, पर हम लोग का जेब में मदद मिलता है, सूखा राशन मिलता है, सूखा राशन तो उसके अलावा लगता है साग सब्जी वगैरह, रूम किराया वगैरह, रूम वाले किसी किसी का रूम मालकिन का उसके किराए से भरोसा चलता है, लेकिन वो भी तबाही कर रहा है कोई कोई, तो हम लोग कैसे क्या करूं? हम लोग घर जाने का, अगर काम नहीं है तो घर जाने दो, नहीं तो काम दो, हम लोग करेंगे, एक साथ रखे एक साथ रहेंगे, लेकिन काम दो, हमको बिजनेस दो, हम लोग बेरोजगार इंसान है, कोई काम रहे तो करेंगे, और नहीं है तो फिर भेजो हम लोग के घर, कोई सुनवाई कीजिए जल्द से जल्द। शहर से बाहर जाने के लिए मजदूरों को हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके लिए आज हम, आप मेरे पीछे देख रहे हो कि ये रामेश्वरी के प्राथमिक आरोग्य सेंटर है, यहाँ पे मजदूरों की जो बाहर शहर से बाहर जाने वाले लोगों की भीड़ देख पा रहे हो, हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए भीड़ लगी है, लेकिन यहाँ कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव यहाँ पे है। और ऐसे में जहाँ कोरोना की संख्या शहर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसी के
चलते कहीं यह भी लोग संक्रमित ना हो जाए। जिस तरह से ये भीड़ दिखाई दे रही है, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रहा है, और ये धूप में ये जो लोग खड़े हैं, यहाँ किसी भी तरह की शासन द्वारा, कुछ प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की यहाँ पे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे कितनी बड़ी लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। लगता ही नहीं इन्हें देखे तो कि शहर में 144 धारा है या शहर में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना के चलते, ऐसा कहीं भी लग नहीं रहा है। और आप मेरे देख पा रहे हो कि लोगों की किस तरह से भीड़ यहाँ जमा हुई है, लंबी लाइन लगी है, और सुबह 10 बजे से लोग यहाँ पे खड़े हैं। कड़ी धूप में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है और सोशल डिस्टेंसिंग कहीं भी किसी भी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, इन BCN न्यूज़ नागपुर। प्रशासन द्वारा इन लोगों को अपने अपने शहर राज्य में पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जहां हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए आरोग्य केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है।